Attention guys, click the subscribe button for more videos and press the bell icon for latest updates. Thanks for your attention. Assalamu alaikum, this is Saad Ahmed Siddiq again and welcome to IDEX Sky, another video, another topic. So, kaise aap sab aaj ki ek new aur interesting video ke saath apne channel IDEX Sky pe aap sabko welcome kehta hu. आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह हम लोग WhatsApp स्टेटस को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से. ठीक है, इसके लिए आपको फाइल मैनेजर पे नहीं जाना पड़ेगा. बेसिकली काफी ज्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती थी. ठीक है, जब भी वो कोई ऐसी वीडियो देखते थे ना कि लोग फाइल मैनेजर पे जाके दिखा रहे हैं कि भाई कैसे डाउनलोड करना है तो वो भी ईजी मैथड, लेकिन मैं अब आपको ऐसा मैथड दिखाऊंगा कि जिधर से आपको डायरेक्टली वेस पे डाउनलोड आपके सामने स्टेटस आएगा और आपको डाउनलोड ऑप्शन भी आ जाएगा. ठीक है, इस वीडियो को आपने पूरा देखना है. असल में क्या चीज होती है कि जो पिक्चर्स होती है ना उनको डाउनलोड करना आसान होता है और जो वीडियोस होते हैं उनको डाउनलोड करना मुश्किल होता है. पिक्चर्स को बंदा स्क्रीनशॉट ले सकता है लेकिन वीडियोस को ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं होती, फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती. एनीवेज हम वीडियो को बकायदा आगाज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये सब कुछ कैसे होगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंड. सो फाइनली गाइज, मैं अपने मोबाइल इंटरफेस पे आ चुका हूँ. मैं एंड्रॉयड यूज़र हूँ तो मैं एंड्रॉयड का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, और जिस ऐप का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उस ऐप को आपने एक बार डाउनलोड कर लिया और परमिशन दे दी तो फिर आप जितने मर्जी स्टेटसेस डाउनलोड करें. ठीक है, तो उस ऐप का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और उस ऐप का जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पुट कर दूंगा, आप उधर से जाके डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, उस ऐप का नाम है स्टेटस सेवर फॉर व्हाट्सएप. ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उधर से डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं. इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करने का मेथड बहुत ही सिंपल है, फिर भी आपको किसी किस्म की कंफ्यूजन होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा. एनीवेज अब हम वीडियो का बकायदा आगाज कर रहे हैं और मैं आपको बता देता हूं कि मैं किस तरह का स्टेटस डाउनलोड करने वाला हूं. मैं व्हाट्सएप पर जाता हूं, स्टेटस पर जाता हूं. ठीक है, तो स्टेटस पर जाकर आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं. ये सारे स्टेटस मेरे पास आ रहे हैं. ठीक है, पहले मैं वो स्टेटस दिखाऊंगा जो कि व्हाट्सएप पर लगा हुआ है. ऐसे ना आप कहें कि आज पता नहीं किधर से ये स्टेटस डाउनलोड कर दिए. ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप है और यहाँ पर स्टेटस है और मैं यहां पर आपको यहां पे इम्तियाज भाई के नाम का कॉन्टैक्ट ओपन करके उसका स्टेटस दिखा देता हूं. ये वाला स्टेटस है जो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूं. ठीक है, 12:38 AM लिखा हुआ है और ये बाइक खुद मूव हो रही है. ठीक है, सर्कल वाइज राउंड घूम रही है. तो मैं स्टेटस को डाउनलोड करके आपको दिखाने वाला हूं. ठीक है, यहां पर कोई डाउनलोड ऑप्शन हमें नहीं दिखाई दे रहा. मैं बैक चला जाता हूं, बैक जाकर अब आपको डाउनलोड करके दिखाने वाला हूं. आपने इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, स्टेटस सेवर फॉर व्हाट्सएप को. मैं इसको ओपन कर लूं सिंपल. जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा. ठीक है, आपके सामने जब इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपने अलाउ कर देना है और परमिशन दे देनी है. परमिशन देने के बाद सम टाइम एरर आता है. ठीक है, तो आपने इसको दोबारा ओपन कर लेना है या फिर ये दोबारा खुद ओपन हो जाएगा. ठीक है, तो वेट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे होंगे, पिक्चर्स और वीडियोज़ के. ये पिक्चर्स हैं, जितने भी स्टेटस पिक्चर्स पर लगे हुए हैं ना ये सारे वो शो कर रहे हैं. ठीक है, और पिक्चर्स तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाह रहे तो आप किसी भी तरह डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, स्टेटस इसको देखिए. फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है और अगर मैं इस पिक्चर को डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो मैंने इस पर जस्ट सिंपल क्लिक किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ग्रीन कलर का, मैंने इधर क्लिक कर देना. और ये सेट स्टेटस अगर आप इसी को लगाना चाह रहे हैं या फिर अगर इसको सेव करना चाह रहे हैं तो आप सेव भी कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और ये स्टेटस डाउनलोड हो जाएगा. ऐड ओपन हुई है, बैक चले जाना है और ये स्टेटस डाउनलोड हो चुका है. मैं ये स्टेटस आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले मैं वीडियो भी आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ. वीडियोज़ पर हम लोग चले जाते हैं. ये सारी की सारी वीडियोज़ है. ठीक है, जो पुट हुई हुई है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर वही वीडियो पिक कर लूँगा. ये वही वीडियो है जो लगी हुई थी. अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, ग्रीन कलर के बटन पे क्लिक करना है. अगर इसको स्टेटस पे करना है तो स्टेटस पे करिए, अगर इसको सेव करना है तो सेव करिए. मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ और ये वीडियो सेव हो गई है. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 सेकेंड के अंदर ये वीडियो सेव हो जाएगी. बैक चले जाते हैं, बैक जाके अब गैलरी ओपन करता हूँ. गैलरी ओपन करने के बाद मैं अदर्स पे जाता हूँ. अदर्स पे जाने के बाद यहाँ पर ऊपर टॉप पे देख सकते हैं एक इमेजेस के नाम का फोल्डर है और एक वीडियोस के नाम का फोल्डर है. इमेजेस को अगर मैं क्लिक करता हूं तो इमेजेस पे वो इमेज आई हुई है जो मैंने उधर से डाउनलोड की है. ठीक है, स्टेटस फॉर व्हाट्सएप से. और अगर मैं बैक चला जाऊं तो वीडियोस पे मैं जाता हूं तो वीडियो पे वो वीडियो डाउनलोड हो चुकी है जो मैंने अभी डाउनलोड की है. ऊपर आप टाइम भी देख सकते हैं, 1:11 है और अभी 1:12 हो रहे हैं. एनीवेज मैं इधर क्लिक कर देता हूं और इस वीडियो को दोबारा आपको दिखा देता हूं. ठीक है, ये वो वीडियो है. ठीक है, आप देख सकते हैं. तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ. ठीक है, स्टॉप और बैक चला जाता हूँ
और ये देख सकते हैं अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब इसको डाउनलोड कर लेंगे गैलरी में, ये सेफ हो जाएगी दोनों चीज़ें, ठीक है। तो होप सो आपको वीडियो पसंद है, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक के बटन को प्रेस कर दीजिए फॉर सपोर्टिंग, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं राय के इजहार के तौर पर या फिर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन के तौर पर, मैं आपका रिप्लाई करूँगा और आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूँगा। इन लास्ट मैं ये कहूँगा देखने का शुक्रिया और देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई विल से दैट थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।